डॉक्टर तारिक फतेह भी मेरे साथ आज है। डॉक्टर तारिक फतेह, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी बिल्कुल सर। जो इंडिया में चीजें आप देख रहे हैं, मैं आपका कमेंट चाहूंगा, जो चीजें आप देख रहे हैं, ये पत्थरबाजी थम ही नहीं रही है। मतलब ये पत्थर गैंग है, ये इंसाफ का ये पैटर्न, पत्थर पैटर्न क्या है ये? जहां पर भी वो इंसाफ वाला जो अभी डॉक्टर रिजवान बता रहे थे, हाथ में पत्थर है इंसाफ के लिए, और फिर पत्थर पड़ते हैं, पत्थरबाजी होती है सर। इंसाफ के लिए तो कुछ भी नहीं है जब ये दिखाता है कि हिंदुस्तान और उसकी तहजीब और उसकी जो तारीख है हजारों साल की, वो रिजेक्ट की हुई है इन्होंने, उसको ये मानते ही नहीं है। ये अब भी अपने आप को उनसे एसोसिएट करते हैं जिन्होंने आके हिंदुस्तान में तबाही मचाई। तो इनके हीरो मोहम्मद बिन कासिम हैं, औरंगजेब हैं, ये हिंदुस्तान को हिंदुओं का घर मानने को तैयार ही नहीं है। ये उस वक्त फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे छुप जाते हैं। यानी दुनिया में 50 मुल्क तो हो सकते हैं जो इस्लामिक हों, लेकिन लफ्ज हिंदू जो है, इन्होंने एक ऐसी उस पर मनहूसियत डाल दी कि ये ना हो सके। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के, भाई तुम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इसलिए हो क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्शन मिलती है वहां से, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ जो तुम्हारे दिल में एंगर है और नफरत है, उसको तुम छुपा नहीं सकते इस तरह। ये यहूद और जो हनूद की बुराइयां कर करके बचपने से मस्जिदों में, मदरसों के अंदर, हर जगह नफरत फैलाई जाती, वो ऐसे फिर खत्म नहीं हो जाती, वो बैठी रह जाती है। मैं एक आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों का प्रॉब्लम है। आपको कोई मुसलमान नहीं मिलेगा जिसने हिंदुस्तानी नाम रखा हो। तुर्की में हर मुसलमान का नाम तुर्की है, टर्किश है, पर्शिया के अंदर, ईरान में, ये जो है ये जब तक अपना नाम अरबी नहीं रखते, ये हिंदुस्तानी नाम रख ही नहीं सकते। अशोक नाम का होगा ही नहीं कोई मुसलमान, पूरी आप तारीख में देख लीजिए। औरंगजेब का नाम रख लेंगे बच्चों का, तैमूर का रख लेंगे, लेकिन जिस धरती पे रहते हैं उसके नाम से इनको कोई ताल्लुक नहीं है। जब इतनी बड़ी गैप हो जाए आप कि आप कतर के बयान से नाचने लग जाएं खुशी से, वाह 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 वाह, देखो इस्लामिक कंट्रीज ने इंडिया को लेक्चर दे दिया। अरे जहां वोट का कंसेप्ट नहीं है, वो लेक्चर दे रहे हैं आज हिंदुस्तान को कि किस तरह डेमोक्रेसी होती है। जिन मुल्कों के अंदर आप मंदिर नहीं बना सकते, वो आपको दे रहे हैं कि सेक्युलरिज्म की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। अगर इनसे कहा जाए कि जिस तरह नॉन मुस्लिम की ट्रीटमेंट होती है कतर या सऊदी अरेबिया में, वही ट्रीटमेंट होनी चाहिए नॉन हिंदू की, अगर आपको ये मॉडल पसंद है तो फिर ठीक है, या जाइए पाकिस्तान, पता नहीं क्यों रुक गए थे ये लोग। यानी जिससे नफरत है वहां बैठ के उसी मुल्क की खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, तो मुसलमान नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि देखो कैसे चत कर दिया कतर ने, 30,000 हिंदुस्तानी मरे वहां 4 साल में, जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भी थे उसमें, जो वो फुटबॉल स्टेडियम में दब के सीमेंटों के अंदर, जिनकी लाशें में नहीं आई वापस, को बोलने वाला ही नहीं है, वो तो अरब है भाई, उसके सामने सिजदा कर लो। कोई एक नहीं खड़ा हुआ अब तक कतर के ने बोलने के लिए, भाई ये कैसे हमारे लोग मर गए वहां पे। नहीं नहीं, अरब के सामने मुंह बंद हो जाता क्योंकि वो तो आला दर्जे। मैं तारिक फतेह साहब, मैं यही समझना चाह रहा हूं, इतनी हिम्मत, ये जो आप कह रहे हैं यही हिम्मत होती है कि इसलिए हाथों में पत्थर होते हैं, पेट्रोल बम होते हैं, देसी बम होते हैं, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर, ये वही हिम्मत होती है इसलिए लोग सड़कों पर उतर पाते हैं और ये चीजें हो पाती हैं, ये इसी हिम्मत का आप जिक्र कर रहे हैं, वरना तो किसी की हिम्मत नहीं है। मतलब सोचिए यूपी में तो किसी की हिम्मत नहीं है, सबको पता है एक पत्थर उठाएंगे तो जीवन में कभी पत्थर नहीं उठा पाएंगे, घर पर बुलडोजर चल जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं डर रहे हैं। नहीं डरते ना, क्योंकि आप देखिए इनके दिल में खुशी जो है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जनाब ऐसी तैसी कर दी इंडिया की, उन्होंने हाथ पे हाथ किया नॉर्थ अमेरिका में, न्यूयॉर्क और टोरंटो के अंदर। ओआईसी को तो हमने भी समझा दिया अच्छे से, मेरे ख्याल से अरिंदम बागची जी ने समझा दिया बहुत अच्छे से कि ये विभाजनकारी एजेंडा है और सांप्रदायिक एजेंडा है और हम पर ना थोपे, वो तो ओआईसी को तो लेक्चर हमने अच्छे से समझा दिया मेरे ख्याल से। मैं आपसे समझ रहा हूँ तारिक फतेह साहब, मैं एक मिनट, तारिक फतेह साहब मैं समझ रहा हूँ, इनकी हिम्मत कहाँ से होती है इतनी, ये इतनी हिम्मत कहाँ से होती है, बस ये मुझे बता दीजिए, सोर्स क्या है ये? देखिए जिसकी जो ये समझे,
जिसकी क्या कहेंगे उम्मीद और डेस्टिनेशन जो है वो डेथ है, कि शहीद हो जाए किसी तरह में, कि मैं जन्नत चला जाऊं यहां से, यौमे कयामत आ जाए। दिस इज द फिलॉसफी जिसको हम फॉलो कर रहे हैं ना, कि दुनिया आनी जानी है, हमको तो वहां ही जाना है, और गजबा कयामत नहीं आएगी जब तक सारे हिंदू नहीं मर जाएंगे या सारे हिंदू टेम्पल्स नहीं तोड़े जाएंगे। दिस इज पार्ट ऑफ गजबा हिंद, आपने टैकल ही नहीं किया कभी, आप उसको फिर इनकरेज कर देते। पांच तो आपने एजुकेशन मिनिस्टर्स पहले बना दिए ऐसे लोगों के जो जिना साहब से ज्यादा पैन इस्लामिस्ट थे, तो आपको भी फास्ट बॉलिंग में डक करना और कब हुक करने का तमीज आनी चाहिए। कब तक टॉलरेट करेंगे इनको? अनुराग भदौरिया भी हैं समाजवादी पार्टी से, शिवम त्यागी आपको नजर आ रहे हैं। अनुराग, ये आपने देखे, ये 40 लोग देखे आपने जो यूपी पुलिस ने जारी करे? बिल्कुल, ये चेहरे देखे इनके आपने? हाँ, अब मैं बोलूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसलिए आपके पास। हाँ देखिए ऐसा है, पहले तो होश छीन लिए जुल्म और सितम से, दीवानगी का फिर हम पे इल्जाम लगा दिया। इस देश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, घृणा, नफरत, ये जाति धर्म की राजनीति कौन कर रहा है समाज के अंदर में? आपने कभी विकास की राजनीति क्यों नहीं की इस देश के अंदर में? जब से 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप देखो चारों तरफ एक ही माहौल है कि कैसे हम जाति धर्म की राजनीति कर लें और सत्ता पे काबिज हो जाएं। और सत्ता पे काबिज करने के लिए अंग्रेजों वाला वो फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, डिवाइड एंड रूल। उन्हें पता है कि डिवाइड एंड रूल जो है बहुत आसान होता है, उसमें हमें किसी को रोजगार देना नहीं पड़ता है, उसमें महंगाई की चर्चा भी नहीं होती है, उसमें महिला अत्याचार की बात भी नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि समाज को एक दूसरे से लड़ा दो और सत्ता को हासिल कर लो, यही तो है। अच्छा, तो पत्थरबाजों का दोष नहीं है ये बेसिकली? आ रहा हूँ उसमें भी आ रहा हूँ। अच्छा, उसमें भी आ रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा उनका दोष नहीं, उनको हम लोग दोष ना दे। पहले अगर इस तरह की राजनीति को जन्म ना दिया होता, पहले आपने जो आज एक कैबिनेट मंत्री है जिनकी एक भाषा शैली थी उसको तभी रोक दिया होता, तभी जो दिल्ली आउटर के एमपी साहब है जिनकी भाषा, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हाथ होते हैं तो पेट्रोल बम मारने का अधिकार होता है। ये देखिए अनुराग, ये कवर फायर दे रहे हैं आप पत्थरबाजों को। मैं अपनी बात बोलूंगा, अपनी बात तो आप ये कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं ना आप कि भाई वो हाथ हो गए थे तो फिर पेट्रोल बम मारने का लाइसेंस मिल जाता है, वो हाथ हो जाते हैं तो पत्थरबाजी का लाइसेंस मिल जाता है। बयान ज्यादा गलत थे तो भैया हमने पत्थर मार दिया, उन्होंने क्या बुरा किया? अमन जी, आप भी पत्थरबाजों को आप टारगेट करते रहते हैं। हो गया, मैं अपनी बात कह लूं? बोलिए, बचाइए पत्थरबाज। ये सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी का एलयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? जिस जिले के अंदर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हो, महामहिम राष्ट्रपति जी आ रहे हो, मुख्यमंत्री हो, और यहाँ पुलिस को पता ही नहीं, इसके मतलब तमाम जनता की सुरक्षा कैसे कर पाएगी? इसीलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस आम जनता की भी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। तभी तो ललितपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ पुलिस ने किया, तभी तो चंदौली में बेटी के साथ अन्याय हुआ। क्यों? क्योंकि ये जब VIP है, आपका जो लॉजिक है ना, मुझे बस ये लगता है अनुराग भाई, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले पा रही है। सुनिए ना, मैं समझ गया आपका लॉजिक, ये इंटेलिजेंस फेलियर, LIU का फेलियर, बिल्कुल ठीक बात है भाई। कैसे हो गया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है आपसे चर्चा की भाई, जब 9/11 हुआ ना तो गलती आतंकियों की नहीं थी, अमेरिका की थी, ये कुछ ऐसा लॉजिक है। अच्छा, आप पत्थरबाजों के खिलाफ एक शब्द तो बोलिए ना भाई, ये कहां से जिहादी पत्थरबाजी, जो ये आतंकी है लोग, इनके खिलाफ बोलिए ना। देखिए, हाँ बोल, सुन तो लीजिए, सुन एक शब्द तो बोलिए, 15 मिनट बोलिए ना प्लीज। अरे सुन लीजिए, अरे तो पूरी बात बताऊंगा ना, सरकार को एक्सपोज भी तो करना होगा कि सरकार की कानून व्यवस्था फेल हो गई है, और जब कानून व्यवस्था फेल हो गई तो उसमें खोजने लगते हैं कौन था। पत्थरबाज के पास कोई झंडा मिला? कहीं समाजवादी का नहीं था, कहीं इसका नहीं था। निजाम कुरैशी बता रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी महानगर सचिव, अरे निजाम कुरैशी ये भी गिरफ्तार हुआ है। अरे बात तो सुन लीजिए ना, मैं अपनी बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये संविधान कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो किसी जात धर्म का व्यक्ति हो, कोई कानून को हाथ में नहीं ले सकता। और कानून अपना काम करती है और करना भी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या है भैया, उनको क्या लेना देना कानून से है? उनको कानून में भी कानून तारिक फतेह कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। तारिक फतेह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे मैं आ रहा हूँ अनुराग भाई, तारिक फतेह कुछ कहना चाह रहे हैं, बात नहीं हो पा रही भाई, वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, हमसे बात करना चाह रहे हैं तारिक फतेह। अमन जी, अरे मुझसे क्या बात करेंगे, मैं तो राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, तो कर लूं। इतनी इंटॉलरेंस थोड़ी ना, सुन लीजिए कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। तारिक फतेह साहब, आप बात कर सकते हैं, अनुराग भदौरिया हैं, बहुत ही फेमस और बहुत ही लोकप्रिय प्रवक्ता है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के, बहुत ही जाने पहचाना चेहरा है। तारिक फतेह भाई जी, पूछे क्या पूछ रहे हैं? कानून को तो हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन आप जस्टिफाई करेंगे, हाथ में फिर पत्थर लिए जा सकते हैं, उसकी पूरी जस्टिफिकेशन जवाब दे दो।
पत्थर कहां से आए? पत्थर आसमान पुलिस क्या कर रही थी? अरे क्या कर रही थी? आप घर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? बताइए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? समाज के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? और यहाँ पे किस तरह से कहीं दंगा ना हो पाए, कहीं कोई अपनी घटना ना हो पाए, इसकी जिम्मेदारी पुलिस की है कि किसकी है? पत्थरबाज जिम्मेदार नहीं है भाई, पत्थरबाज जिम्मेदार नहीं है। कोई भी गलत काम करेगा, चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, अगर समाज में कानून तोड़ने का कोई भी काम करेगा तो कानून को कानूनी सजा उसको देगा। क्यों नहीं देगा कानून उसको सजा? किसी को कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है और ना किसी को भड़काने का भी अधिकार है। और जो भड़काते हैं उनके ऊपर वही कानून लागू होना चाहिए। जो भड़काने का काम करते हैं उसमें भी वही कानून लागू होना अनुराग चाहिए। एक एक करके बोलते हैं मेरे ख्याल से, अनुराग एक एक करके, वो आपकी तरह इतने वो शानदार प्रवक्ता नहीं है, वो एक एक करके बोलते हैं, वो उनको समय लगता है एक एक करके। हाँ हाँ अनुराग अनुराग एक मिनट, शिवम के पास भी जाना है, तारिक फतेह साहब आप बोलिए, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूँ, एक एक करके अनुराग अच्छा लगेगा अगर हम एक एक करके बात करेंगे। बोलिए आप तारिक फतेह साहब, बोल लीजिए, सुनिएगा अनुराग एक एक करके। बात सारी ये है कि जो मन में जिसको मैं ईविल कहूंगा, जब आप अपने आप को हिंदुस्तान का या लफ्ज हिंदुस्तान कहते हुए भी शर्म आती है आपको कि किसी तरह को हिंदू ये एक्सेप्ट ना कर लें कि ये पिछले 5,000 साल से हिंदुस्तान एक धरती है, एक सिविलाइजेशन है जिसके ऊपर दुनिया भर की नजर पड़ी है। आप यहाँ आके फिफ्थ कॉलम का रोल प्ले करते हैं, कतर के एजेंट बनने के लिए लाइन लगी हुई है सबकी कि OIC के पीछे जा रहे हैं आप, तो क्यों सपोर्ट करते हैं आप इन लोगों को? और दूसरी चीज, अपने बच्चों के नाम हिंदुस्तानी कब से रखेंगे आप? अगर हिंदुस्तानी है ना, ये अरबों के नाम क्यों रखते हैं आप? बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना आप रखे ना, नसीहत देने चले आए, बता रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बोलने में शर्म आती है। बिल्कुल, ये कौन है भैया? कहां से पकड़े, कहां से ला रहे हैं आपको? आपने पाकिस्तान बनाया, कौन जनाब भाई ये तो बता दो, आप कौन है जो आपको हिंदुस्तान का ज्ञान नहीं है कि हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी नहीं कहते? जो शरिया मानता है भाई, शरिया को बिलीव करने वाला हिंदुस्तान को नहीं मान सकता। अच्छा चलिए सर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक मिनट, अनुराग आपस में बहस करने से फायदा नहीं, उनका पक्ष है ना भाई, उनका पक्ष आपका पक्ष है, उनका पक्ष है, आप गलती पत्थरबाजों की नहीं है, बस ये है ना बॉटम लाइन, ये गलती पत्थरबाजों की नहीं है। चलिए अब शिवम मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं आ रहा हूँ शिवम 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 एक तो अमन जी, एक तो अमन जी आपने अनुराग जी को काफी फेमस और वो बताया, मैं इस पे आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूँ। आपको तारिक फतेह जी को ये भी बताना चाहिए था कि वो फेमस क्यों है। खैर छोड़ देते हैं इस बात को, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि इन्होंने, आपने पूछा कि इसका सोर्स क्या है, मैं कहता हूं कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता बहुत है, और जब मैं ऐसा कहता हूं तो ये दंगाइयों के लिए कहता हूं। ये देश अपने ट्रांसफॉर्मेशनल फेस में है, जहां पर हम अपनी राष्ट्रीय धरोहर, सांस्कृतिक धरोहरों की बात करते हैं, उनको आगे लेकर जाते हैं, और कोर्ट के माध्यम से कोई हंगामा नहीं, एक रकस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ना कैसे करके रोको, अगर कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो 10,000 जाल लोग जाकर उसको रोकना शुरू करो। ये LIU फेलियर है भैया, बिल्कुल नहीं, ये कानून व्यवस्था आपकी, इंटेलिजेंस फेल, ये कहां से इकट्ठे हो जाते हैं, प्लानिंग करते हैं। सुनिए 26 का बयान, 27 में जुमे का दिन, फिर आते हैं 3 तारीख, एक हफ्ते की प्लानिंग होती है, ठेले पर पत्थर इकट्ठे होते हैं, गुलेल, पेट्रोल बम, पेट्रोल जाके खरीदा जाता है, पेट्रोल बम से देसी बम मिल रहे हैं, 50-50 धमाके, कैसे हो गया भैया? अनुराग ठीक पूछ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक अनुराग ठीक पूछ रहे हैं, कैसे हो गया? बिल्कुल, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं अमन जी, कि जब आप अपने माथे पर तिलक लगाकर हाथ में लोटा लेकर मंदिर की तरफ जाते हैं, तो मेरा देश मेरा समाज और सब ऐसा समझते हैं कि आप वहां भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। जब ये जाते हैं अपनी मस्जिद में, तो ये देश ऐसा समझता है और दुनिया ऐसी समझती है कि अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं। अनुराग जी तो बताएंगे नहीं, बताइए 6 साल हो गए इनको सरकार से गए हुए, लेकिन दंगाई आज भी इन्हीं की पार्टी से निकल निकल कर आ रहे हैं, बताइए। तो ये कैसे दंगाइयों को गलत बता सकते हैं? और बौद्धिक सपोर्ट तो इन्होंने भी दिया है, आपने देखा बौद्धिक सपोर्ट अखिलेश यादव ने ये कहते हुए दिया कि हिंदुओं में तो मंदिर कहीं भी बन जाता है, कहीं भी पत्थर रख दीजिए मंदिर बन जाएगा। बिल्कुल हिम्मत है, ये एक बयान ऐसा किसी दूसरे धर्म को लेकर दे दे, मैं तो ये निजाम कुरैशी के बारे में पूछ रहा था, मैंने तो कहा ही नहीं, मैं कहता हूँ मुझे किसी को गाली नहीं देनी है, लेकिन कृपया करके मुझे आप गाली मत दीजिए,
बड़ी सीधी सी बात है, मैंने कहा था आपको कहीं बताना चाहिए था कि किसलिए फेमस है, ये इसलिए फेमस है। तारिक फतेह जी नॉन स्टॉप बोलने के लिए लगातार आप इनको सुनेंगे या फिर कोई टेप रिकॉर्डर सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। ये क्वालिटी अनुराग भटनागर यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सरकार जो इनको समझना चाहिए वो ये कि चाहे आप कुछ भी कर ले, नब्बे के दशक का कश्मीर नहीं है, चलिए करके नारे लगाओगे और उसके बाद पत्थरबाजी करोगे और पलायन हो जाएगा। मैं यहाँ पर अब्दुल्ला जी, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर पत्थर उठाओगे जीवन भर पत्थर ही लगा पाएंगे। एक एक करके आराम से, अनुराग 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 एक मिनट यहाँ से आराम से, अनुराग अनुराग ये एक नाम है निजाम कुरैशी, ये कौन है निजाम कुरैशी, ये गिरफ्तार हुआ है, ये बता रहे हैं समाजवादी पार्टी नगर महानगर सचिव कोई है, ये समाजवादी पार्टी कनेक्शन, ये निजाम कुरैशी कौन है? मैंने आपको एक ही शब्द में बोला, समाज के अंदर में कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, कानून ये है कौन बस मुझे बताइए मेरी जानकारी के लिए, ये है कौन निजाम कुरैशी? एक हिंदुस्तानी है, उत्तर प्रदेश का नागरिक है, और क्या चाहिए इसको? तो दंगे के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस पर दंगे का आरोप है, उसको गिरफ्तार किया गया है। समाजवादी पार्टी का है इसका मतलब, मेरी खबर को आप कंफर्म कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी महानगर सचिव है क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मेरी बात आप नहीं समझे, हम कहते हैं महानगर सचिव है या नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं है, अगर बीजेपी का पकड़ा जाता ना आज तो आप कहते बीजेपी ने दंगा कराया, हाँ ना हाँ या ना, आप परसेप्शन बनाना चाहते हो या मुझे भैया बीजेपी का अगर होता ना अनुराग, अगर ये बीजेपी का कोई नेता पकड़ा जाता तो आप क्या कहते? तो बोलने तो दो, हाँ बोलने तो दो, कितना बोलेंगे आधे घंटे से बोल ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी का महासचिव है भी महानगर का, अच्छा अगर उसने कोई कानून हाथ में लिया है अरे तो कानून अपना काम बताइए, कादरी इसमें परेशान क्यों रहे आप? ये छह छह साल में सीटें भी आपकी कट से चली गई, लेकिन दंगाइयों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही पार्टी में, क्यों? एक मिनट ऐसे नहीं, एक एक करके एक एक कमेंट